के राम मंदिर पर फैसला आने के बाद निर्मोही अखाड़ा ने आज एक बड़ी बैठक अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा में आयोजित किया। बैठक में देश भर के संत शामिल हुए। निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेन्द्र दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास जताया गया। निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है और बैठक में तय किया गया कि निर्मोही अखाड़ा फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। इस बैठक में यह भी चर्चा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी है। निर्मोही अखाड़ा की क्या भूमिका होगी, इसकी चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्मोही अखाड़ा का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और राम मंदिर निर्माण वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा की क्या भूमिका होगी, इस विषय पर चर्चा करेगा। अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा की बैठक अहम मानी जा रही है। इससे पूर्व जो खबरें आ रही थी कि निर्मोही अखाड़ा रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है, अब इस पर विराम लग गया है। यह साफ हो गया है कि निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है और वह फैसले के खिलाफ किसी भी तरीके की रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। 28 से लेकर के आज तक पिटीशन के मामले में कोर्ट में लड़ रहा है शुरू से। उन समस्त पंचों के परंपरा अनुसार जो शिष्य प्रशिष्य है वो तो सब चले गए आज के समय में, लेकिन उनकी परंपरा में जो शिष्य मौजूद हैं उन लोगों की मीटिंग हुई है और उन्हीं की मीटिंग में हमारे सबसे पहले सरजू पूजन हुआ और सरजू पूजन होने के बाद हम लोगों ने जो कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया उसका हम तहे दिल से यहाँ सम्मान किया और इसके पश्चात हम उन्होंने आदेश किया कि आप प्रशासन से मिल करके और अपने इस प्रबंधन और निर्माण में सहयोग प्रदान करें। उस संदर्भ में हमारे सभी पंच मिलने के लिए एक कोर कमेटी का निर्माण किया है जो 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उनसे मुलाकात कर लेंगे। किससे मुलाकात करेंगे? सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सरकार से। अच्छा, क्या चीजें रखेंगे और किसको तय करेंगे? चीजें रखने का विषय नहीं है, हम ये कहेंगे कि हमने आपने जो प्रबंध कोर्ट ने प्रबंधन और निर्माण के संबंध में आपको आदेशित किया है, इसमें हम लोगों की क्या भूमिका है, कृपया हमें वो दायित्व बताइए ताकि हम उसके लिए तैयारी करें। अब आप निर्मोही अखाड़ा रिव्यू के लिए दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, इसे जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ चुका हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे, जो पंच लोग हमारे निर्णय दे देंगे। निर्मोही अखाड़ा का एक सदस्य ट्रस्ट में रहेगा जो सरकारी ट्रस्ट में, उसके लिए भी कोई मंत्रणा बैठक में हुई है? नहीं, अभी पहले हम लोग बातचीत करेंगे। क्या माना जाए कि जो पुनर्विचार याचिका है नहीं दाखिल होगी? निर्मोही अखाड़ा होगी जजमेंट की, कोई जरूरत पड़ेगी तब, क्योंकि मंदिर बनाना या बनना निर्मोही अखाड़े का भी प्रयास रहा है सर। हम भी शायद नहीं बने, निर्मोही अखाड़ा के हर पंचायत का है, मंदिर बनना आवश्यक है, लेकिन वो मंदिर की व्यवस्था में कौन कौन भागीदार होगा, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, तो ये माना जाए कि पुनर्विचार याचिका के लिए भी दरवाजे खुले हैं? देखिए, ये भी अभी सात रोज का समय है, 10 रोज बाद आप 7 वर्किंग डेज मौका दिया जा रहा है जाएगी, इंटरनेट से भी हम बात करेंगे, रिस्पॉन्स वहाँ जाएंगे, दो तीन लोग इससे डेवलप करती है, तो आप लोग अभी लिखा है प्रस्ताव में, तब हम लोग विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए भी बोर्ड की बैठक चल रही है।